हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना माहेश्वरी, माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक साउथ इंडियन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और काफी हेल्दी भी है। साउथ में इसे खीरे की पचड़ी कहा जाता है, हम इसे खीरे का रायता कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। साउथ इंडिया की फेमस खीरे की पचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक मीडियम साइज का खीरा, और जिसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और एकदम एक छोटे साइज का प्याज उसे भी बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये पचड़ी खाने में जितनी ज्यादा टेस्टी लगती है उतनी ज्यादा हेल्दी होती है और बनाने में काफी आसान होती है, और स्पेशली बिरयानी या नमकीन चावलों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पचड़ी बनाने के लिए हमें जरूरत होगी दही की। आज मेरे पास गाय के दूध का दही है, आप नॉर्मली कोई भी दही यूज कर सकते हैं, और इस दही को हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे, और आप चाहें तो इसे कपड़े में छान सकते हैं या छलनी में छान सकते हैं, जिससे बस दही अच्छा सा स्मूथ हो जाए। हम साउथ इंडियन रेसिपी बना रहे हैं और कोई भी साउथ इंडियन रेसिपी बिना नारियल के कंप्लीट नहीं होती, तो इसके लिए मैंने लिया है ये एक छोटा टुकड़ा नारियल का, जिसे हम मिक्सी में डाल देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हम दो हरी मिर्च भी डाल देंगे, जिससे हमें इसमें एक्स्ट्रा मिर्च डालने की कोई जरूरत नहीं होगी। दही को मैंने एकदम स्मूथ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अब इसमें कोई लम्स नहीं है, और इस दही में ही हम ये खीरा डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने ये जो नारियल पीस के रखा था ये भी डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे, हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि जब हमने इसमें नारियल पीसा था तभी हम उसमें दो हरी मिर्च डाल चुके हैं। और अब बारी है पचड़ी में तड़का लगाने की, उसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है और उसमें एक टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होता है गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसमें हम आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई यानी मस्टर्ड सीड डाल देंगे और इसे फूटने देंगे, और जैसे ही ये अच्छे से फूटते हैं हम इसके अंदर करी पत्ता डाल देंगे, और बस तड़का हमारा तैयार है। और बस तड़के को हम पचड़ी में डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, और 2 मिनट बाद ढक्कन को हटा देंगे। इसमें से तड़के की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी पचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे खीरे का रायता कहें, पचड़ी कहें, नाम कुछ भी दें, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि कैसी लगी। ये हमारी बहुत ही टेस्टी खीरे का रायता कह लीजिए, खीरे की पचड़ी कह लीजिए, बनकर तैयार है। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आप इसे खिचड़ी, बिरयानी, चावल या रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।